हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको बताऊंगी कि खर्राटे क्यों आते हैं, खर्राटे क्या होते हैं और खर्राटे से आप किस तरह से अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं, यानी खर्राटों की परेशानी से आप निजात कैसे पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि खर्राटे होते क्या हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्नोरिंग कहते हैं। और खर्राटे होते हैं जब हम सो जाते हैं तो हमारी सांस के साथ में एक ध्वनि आती है, एक आवाज़ आती है और उसके साथ में एक वाइब्रेशन आती है, उसी को हम खर्राटे कहते हैं। अब बहुत से लोगों का मानना है कि जो खर्राटे होते हैं वो थकान की वजह से होते हैं, नींद सही से ना आने की वजह से होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इसका सच कुछ और है जो कि मैं आज आपको बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको कि खर्राटे आने की मेन वजह क्या होती है, मेन रीज़न क्या होता है। उसका मेन रीज़न जो होता है वो होता है जो हमारी सांस की नली होती है, जो हमारे गले का पीछे वाला हिस्सा होता है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो छोटी सी नली में से अच्छे से पार नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं उसके आसपास के उनमें वाइब्रेशन होती है और यही वाइब्रेशन हमें खर्राटों के रूप में सुनाई देती है। अब इस जो ये जो हमारी गले का पिछला हिस्सा होता है इसके सिकुड़ने का भी एक कारण होता है, मतलब कई कारण होते हैं। देखिए, जैसे हमारे गले का पतला होना या फिर हमारी गर्दन का छोटा होना या ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ जाना या फिर जो हमारा नीचे का जबड़ा होता है उसका बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना, तो ये सारे वजह हैं। जो खर्राटे हैं उसका एक रीज़न ये भी है कि ये जो हमारे छाती से लेके सर तक का जो हिस्सा होता है वो उसमें होते हैं कफ दोष, तो कफ भी एक मेन कारण होता है खर्राटे आने का। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप खर्राटों से कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, आप देसी गाय का देसी घी तो लेना ही है, लेकिन जो देसी घी लेना है आपको वो देसी गाय का ही लेना है और उसे गर्म करके और अपनी दोनों नाकों में एक एक बूंद सोते टाइम एक एक बूंद दोनों नाकों में टपका लेना है, दोनों नाकों में घेर लेना है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी खर्राटों की प्रॉब्लम है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ये लगाओ, आपको जो इसके रिज़ल्ट है, जो आपको रिज़ल्ट आने चाहिए, खर्राटे बंद हो जाने चाहिए, वो 2 से 3 दिन में ही खर्राटे बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम आलस की वजह से, क्योंकि जो ये काम है ये रात को सोते टाइम ही करना होता है, बहुत से बंदे क्या होते हैं कि आलस की वजह से ये काम नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, एक ये आप घी गर्म करने के लिए रख सकते हैं। देखिए, ये इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर ये देखिए ये घी रख सकते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर ये दीवा रख सकते हैं। देखिए, ये दीवा मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप ये दीवा रख सकते हैं और इससे ये घी गर्म हो जाएगा और इससे ये अपने नोजल्स में आप दोनों में घी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और दूसरा क्या होगा कि आपकी जो खर्राटों की परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा आप रोज़ कीजिए, आपको इसके रिज़ल्ट 3 से 4 दिन में ही मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उन लोगों से भी ये वीडियो शेयर करना जो खर्राटों से परेशान है, चाहे वो खर्राटे उसकी बीवी को आते हो या उसके हस्बैंड को आते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।